कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके 141 लंबा वर्कशीट आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। मैथ्स की है, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया कैलेंडर। यहाँ लिखा है जयांश और नैना के दादाजी जब बाजार से आए तो उन्होंने उनके साथ थैले में एक किताब देखी। उन्होंने दादाजी से पूछा, ये किताब किसकी है? दादाजी ने उन्हें बताया, ये किताब नहीं कैलेंडर है। जयांश ने पूछा, कैलेंडर क्या होता है? दादाजी ने समझाया कि कैलेंडर में हम ये देख पाते हैं कि साल के किस महीने की किस तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आगे बोलते हैं, इससे विशेष त्योहारों व छुट्टियों का भी पता चलता है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि कैलेंडर में डेट होता है, इसके साथ साथ कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है ये भी लिखा होता है। तभी नैना बोली, दादाजी आपके कमरे में तो पहले से ही एक कैलेंडर है, फिर एक और कैलेंडर क्यों? तो दादाजी हंसते हुए बोले, बिटिया वे इस साल का कैलेंडर है, इस महीने के बाद नया साल यानी 2022 शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं नए साल का कैलेंडर पहले ही ले आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है, जयांश और नैना ने कैलेंडर के पहले पन्ने को देखा, वे कुछ ऐसे दिखता था। ठीक है, आप भी इसे देखकर इसके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए यहाँ लिखा है, कैलेंडर 2022 जनवरी का कैलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दो छुट्टियाँ मेंशन की गई हैं, जिसमें 26 जनवरी की तो गणतंत्र दिवस की है और 9 जनवरी जो है गुरु गोविंद सिंह की जयंती की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको लिखा है, इस महीने में कितने दिन हैं? तो यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये एक तारीख से दिन शुरू हो रहे हैं, ये सारे सैटरडे हैं, जितने भी रेड हैं ये ऊपर सारे संडे हैं, है ना, 31 डेज़ हैं एक तारीख से। इसके अलावा यहाँ देखिए आपकी ये जो छुट्टी है ये भी रेड कलर में है। तो इन्होंने बोला था आपसे पहला क्वेश्चन कि इस महीने में कितने दिन होते हैं, तो आप लिख लीजिए 31 दिन। ठीक है, नए साल का पहला दिन कौन सा होगा? तो नए साल का पहला दिन होगा शनिवार, तो आप लिख लीजिए शनिवार। ठीक है, 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो अब 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा जल्दी से बताइए। ये देखिए ये लिखा बुधवार, तो आप लिख लीजिए बा में ऊ की मात्रा दा बुध, वा में आकरण डा रा बुधवार। पहला बुधवार कौन सी तारीख को होगा? तो पहला बुधवार कौन सी तारीख होगा? 5 तारीख को। ठीक है, इस महीने में कितने रविवार होंगे? तो अब जरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो लिख लीजिए 5 रविवार। आया ना मजा? तो इस तरह से वर्कशीट होती है हमारी कंप्लीट। तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।